Today I am very upset. What happened? Why are you upset today? I was bitterly scolded by my teacher. Why? Why teacher scolded you? He asked me about Island Group of India, but I was unable to explain, so he scolded me. Okay, I will tell you about Island Group of India. There are two island group of India. First is Lakshadweep and second is the Andaman and Nicobar. Firstly, I want to tell you about Lakshadweep Islands. First feature of Lakshadweep Island is Lakshadweep Island, formerly known as the Lakadweep, Minicoy and Aminidweep Island, is a group of island is the Lakadweep Sea, which is stretched nearly 200 to 400 kilometers, means 120 to 270 miles off the western coast of India. Means Lakshadweep Island जो है वो छोटे छोटे कई आइलैंड से मिल करके बना है. उनमें मेन है लकादीव, मिनिकॉय और अमिनीदीव आइलैंड. इसका टोटल स्ट्रेच्ड जो प्लेस है वो है लगभग 200 टू 400 किलोमीटर, जो कि माइल्स में जब मेज़र किया जाता है तो 120 से लेकर के 270 माइल्स तक आता है. सेकंड फीचर है इसका इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनिट यूनियन टेरिटरी. लक्षद्वीप इज एन आर्चिप्लेगो कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड्स विथ एन एरिया ऑफ 36 स्क्वायर किलोमीटर. मतलब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये इंडिया का सबसे छोटा आइलैंड है, जिसका एरिया जो है लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें लगभग 36 आइलैंड ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं. इट इज़ अ यूनी डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी एंड इट कंप्राइज्ड ऑफ 12 एलॉट्स ट्रीज रीफ्स 5 सबमर्ज्ड बैंक्स एंड 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स. नेक्स्ट फीचर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड. दिस इज ऑल्सो नोन एज द कोरल आइलैंड. ये पूरी तरह से कोरल पॉलिप से घिरा हुआ है, कोरल पॉलिप से बना हुआ एक आइलैंड है. इसी वजह से इसको कोरल आइलैंड के नाम से भी हम जानते हैं. कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कावरती आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है. दिस आइलैंड ग्रुप has great diversity of flora and fauna. और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी विच इज़ सिचुएटेड हियर. यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम पिटी आइलैंड है. ओह इट इज़ सच अ वेरी यूजफुल. नाउ Tell me about Andaman and Nicobar. Oh, sure. Andaman and Nicobar consist the boundary between the Bay of Bengal and West and Andaman Sea to East. हम ये कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के बीच में सिचुएटेड है. सेकेंड फीचर है This island lies close to the equator and experiences the equatorial climate and have thick forest cover. ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो इक्वेटर के बहुत ही नज़दीक है, इस वजह से ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट फेस करता है और यहाँ पर बहुत सारे घने फॉरेस्ट हैं. इट कंप्राइजेज मोर दैन 300 आइलैंड्स. As we have studied that Lakshadweep had nearly 36 island small island groups, but here there are nearly 300 small islands group in the Andaman and Nicobar. North, Middle and South Andaman are collectively known as the Great Andaman. Just North, Middle or South Andaman को कलेक्टिवली कहा जाए तो ये ग्रेट अंडमान के नाम से जाने जाते हैं.
मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर द वोल्केनिक ओरिजिन, मतलब यहाँ पे जितने भी आइलैंड हैं वो लगभग क्या है, वोल्केनिक ओरिजिन है। हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार इज द सैडल पीक, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है जिसकी हाइट लगभग 2118 फीट की है, विच इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न अंडमान। लार्जेस्ट आइलैंड इन अंडमान इज द मिडिल अंडमान, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया एट द ओशन, जो मिडिल अंडमान है वो लार्जेस्ट आइलैंड है और ये आइलैंड इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ओशन में। और यहीं पर ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट मौजूद है जो कि 2006 में सबमर्ज 2004 में सुनामी आने के वजह से सबमर्ज हो गया था, जो कि इंडिया का लास्ट मीन साउदर्न साउथ पॉइंट है। बैरन आइलैंड जो जहां पर एक्टिव वॉल्केनो है प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न अंडमान, सो वी कैन से दैट बैरन आइलैंड प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न अंडमान। नारकोडम आइलैंड जिसको डॉर्मेंट वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इन द मिडिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर प्रेजेंट इन साउथ अंडमान। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हाउसेज मोर देन 242 स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स, 78 species of the reptiles, 46 species of the mammals, and it is these features that attract the tourist from the across the world. ये एक बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लगभग 242 species birds की पाई जाती हैं, 78 species reptiles की पाई जाती हैं, 46 species different type of mammals की पाई जाती हैं। इसी वजह से ये एक attractive place होता है tourist के लिए, वो इंडिया के साथ साथ और भी देशों से जो tourist होते हैं उनको अपनी तरफ attract करता है। It consists of 9 national parks, यहाँ पर 9 national parks हैं, 96 wildlife लाइफ sanctuaries हैं और एक bio reserves है। Oh, very nice. I really understood the features of Andaman and Nicobar and also the Lakshadweep Island. I will never forget this. Thank you, sister, for this.